हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आप लोग का एक नया वीडियो में स्वागत। आज का जो वीडियो का टॉपिक है ऑन हीरो का इनकॉर्पोरेशन। गाड़ी पिकअप जैसे पकड़ रहे हैं ना, गाड़ी मिस कर रहा है, पूरा मिस करने का, पिकअप जैसे पकड़ते मिस करता है। इसका एक प्रॉब्लम है, इसका कार्बोरेटर में वर्किंग पिस्टन होता है, जो कार्बोरेटर होता है उसका अंदर में वर्किंग पिस्टन होता है, तो उसके उसमें अगर थोड़ा स्क्रैच आ जाता है तो उसके चलते मिसिंग कर रहा थोड़ा। तो इसका मिसिंग सॉल्यूशन करने के लिए क्या करा है, नया डालें, इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करें, क्या करें, इसमें भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसका आगे दिखाते हैं। तो जैसे देख सकते हैं हम लोगों से टाइम पहले हम लोग ऑफ कर लिया, तो पहले आप लोग गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देते हैं। तो चालू हम करेंगे पहले उसका स्टार्ट करेंगे। तो उसके ऊपर एक कवर रहता है, इधर में दो स्क्रू, एक कवर हम लोग ने पहले निकाल लिया, ये रहा कवर उसका। इसका पूरा कार्बोरेटर नहीं निकालना हम लोग को, उसका दो साइड दो क्लिप होता है, क्लिप लूज कर लेना है। तो एक क्लिप यहाँ है, एक क्लिप यहाँ, तो हम लोग ने पहले लूज कर लिया है। उसका कार्बोरेटर को थोड़ा ऐसे करके बेंड करना है, ऐसे करके बेंड कर देना ताकि कार्बोरेटर ओपन करने कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका हम लोग दो स्क्रू है, तो ये रहा हमारा स्क्रू, दो ओपन कर लेंगे जैसे कि देख सकते हैं ओपन। ये रहा हमारा दो स्क्रू, ये रहा प्लेट, ये रहा इसका स्प्रिंग। तो स्प्रिंग निकालने के बाद इसका वर्किंग पिस्टन बाहर आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं ये रहा वर्किंग पिस्टन। इसी के चलते गाड़ी मिस कर, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ थोड़ा स्क्रैच है। तो जैसे कि देख सकते हैं इसका वर्किंग स्क्रैच है, इसके चलते गाड़ी मिस करा, जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा वर्किंग पिस्टन, इसके चलते गाड़ी मिस कर रहा। तो इसको हम लोग चेंज करने वाले नहीं, इसका कैसे सॉल्यूशन निकाले इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसको पहले ये पिन है इसको निकाल लेते हैं। तो ये पिन निकालने के बाद आप लोगों को दिखा देते हैं, एक स्टार लगा के इधर से निकाल लेंगे। तो ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो उसके बाद एक स्टार लेके यहाँ स्टार लगा के इसको थोड़ा प्रेस करके निकाल लेंगे। तो जैसे देख सकते हैं ये हमारा एक बार घुमाया इधर तो ओपन हो गया। ये रहा इसका बोल्ट, यहाँ स्टार लगा ओपन करना पड़ता है, उसका ये पिन इजीली बाहर आ जाएगा। जैसे देख रहे हैं इसमें इसका पिन में हम लोग एडजस्टमेंट करने वाले हैं मिसिंग के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारा जो इंजन फिट करने टाइम पैकिंग होता, पैकिंग इंजन का पैकिंग, वो पैकिंग हम लोग को लेना है थोड़ा। पैकिंग लेने के बाद इसका पहले कोई मैकेनिक दिया था पैकिंग, वो टूट गया इसलिए। तो इसका पैकिंग लेने के बाद ऐसे हम लोग को घुसा देना है, जैसे जैसे तो घुस गया एक बार, उसका थोड़ा सा काट के और एक बार घुसाना है, डबल करके हम लोग को देना है। ये हो गया डबल, डबल होने के बाद इसको कैंची से काट लीजिए बराबर। तो इसका पैकिंग लगाने के बाद इसको कैंची से बराबर करके थोड़ा छोटा करके काट लीजिए, इजीली घुमा के ऐसे करके काट लीजिए। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोगों ने पैकिंग काट लिया है, पैकिंग काट लेने के बाद आप लोगों को फिर आगे वहाँ लगाने के बाद दिखाते हैं। इसका जैसे देख सकते हैं हम लोग ने इसको अच्छा से कर लिया, करने के बाद इसका फिर वही डाल देंगे इधर से, तो हॉल में देख के अच्छा से डाल लेंगे। तो जैसे देखते हैं ये डाल लिया हम लोग ने, डालने के बाद इसका और फिर स्प्रिंग और नट है वो लगा देंगे। तो ये कट किया हुआ उधर ऐसे लगाना है, तो लगा लेते हैं। हम लोग ने इसका अंदर का पिन सेट कर लिया, उसका अभी कार्बोरेटर में सेट करेंगे। कार्बोरेटर में सेट करते हैं तो इजीली ऐसे डालेंगे, ये रबर का पॉइंट जो कार्बोरेटर का इधर है ये रखना, ऐसा ऐसे रख के फिट कर देंगे। जैसे कि देख सकते हैं ये हो गया हमारा सेंटर पोजीशन करेक्ट, उसका इस पर स्प्रिंग डालेंगे, स्प्रिंग डालने के बाद इसका कवर सेट करेंगे। ये रहा इसका स्प्रिंग डाल दिए, सेम वही इसका ऐसा कवर लेकर फिट कर देंगे ऐसे करके।
इसका तो जिस दिन देखते हम लोग ने कवर फाइनली फिट कर लिया, उसका दो क्लिप टाइट कर दिया, उसका इसका कवर लगाएंगे। कवर लगाने के बाद आप लोग को स्टार्ट करके दिखाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग ने पूरा गाड़ी फिनिश कर लिया है, उसके बाद गाड़ी आप लोग स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट पहले चाबी ऑन करेंगे, उसका सेल्फ मार के गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं अभी गाड़ी मिस नहीं कर रहा। पहले क्या होता था, गाड़ी जैसे एक्सीलेटर पकड़े ना थ्रोटल पकड़े तो गाड़ी मिस करेगा। तो इसका हम लोगों ने देखा वर्किंग स्टैंड खुल गया, वर्किंग स्टैंड में स्क्रैच था, उसको हम लोगों ने थोड़ा एडजस्टमेंट किया, उसका लगा के था, अभी मिसिंग नहीं है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो से आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।